फ्रेंड्स नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मम्मास मैजिक पर। और आज हम बनाएंगे रवा उपमा यानी सूजी का उपमा। और ये उपमा बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। और आप अगर उपमा खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। 100% आई एम श्योर कि आप उपमा खाना स्टार्ट कर देंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब। तरह से ढेर सारे वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूंगी। चलिए रवा उपमा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली यहाँ पे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। अब घी को मेल्ट होने देते हैं। जब घी मेल्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप सूजी। तो मैंने यहाँ पे लिया 1/2 कप सूजी, लगभग 125 ग्राम है। अब इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें फ्लेम लो रखना है और 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट कर लें। इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे और अच्छे से स्मेल आने लगे अब इसे रोस्ट करना बंद कर दे। लगभग मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट रोस्ट कर लिया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब रवा को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए तो रवा मैंने रोस्ट कर लिया है। अभी सेम कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं। तो घी मेल्ट हो जाए तो उसमें मैं रोस्ट करने वाले कुछ ड्राई फ्रूट्स, लगभग 1 से 2 चम्मच मैंने काजू लिए, 1 चम्मच बादाम और लगभग 15 से 20 किशमिश, इसे हम 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। तो देखिए भी कढ़ाई में घी ऑलरेडी है और घी में ही हम लगभग 1 से 2 चम्मच तेल ऐड कर देंगे। तेल और घी मिक्स करके उपमा बनाने से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट रहता है और फ्लफी भी रहता है। तो तेल को गर्म होने देते हैं। ये गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ी सी राई और इसमें अब डाल दें 1/2 चम्मच चना दाल, 1/2 चम्मच उड़द दाल। तो हल्का सा रोस्ट हो जाइए। इसमें हम डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें डाल दें 7 से 8 कड़ी पत्ते। इसमें हम डाल देंगे 1 कटा हुआ प्याज, 1 स्मॉल साइज कटा हुआ प्याज मैंने यहाँ पे डाल दिया है। थोड़ी देर रोस्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे भून लें। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी से कलर भी अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी हल्दी अच्छी रहती है। तब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कटे हुए गाजर और 1 चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच कॉर्न, स्वीट कॉर्न है फ्रोजन में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है हरे मटर, ये फ्रोजन है, आप चाहे तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद इसे ढककर लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया है और 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो सब्जियां हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे लगभग 2 कप पानी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाल दिया है। अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने रोस्ट की हुई सूजी रखी थी रवा, वो इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करते समय इसे लगातार चलाते रहें ताकि इसमें लम्स ना पड़े, क्योंकि रवा डालने के बाद ये बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे लगातार इस तरह से स्पैचुला की मदद से चलाते रहें।
ये देखिए हमारा रवा उपमा लगभग बन के रेडी है। इसे लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब इसमें हम डाल देंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और ये लास्ट में डालने की वजह से ये खाने में क्रंची लगते हैं और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। लास्ट में लगभग आधा चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ ताकि इससे रवा लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट रहेगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच कटी हुई धनिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये देखिए हमारा स्वादिष्ट रवा उपमा सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए अच्छा कितना स्वादिष्ट बना है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।